हेलो हेलो कौन? मैं गैरेट। आप तक कहाँ थे? मैं इरन हॉट में हूँ। खांगा, मैंने किसी की हत्या कर दी है। क्या? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? प्लीज यहाँ जाओ। यहाँ शहर के दक्षिण में एक चर्च है, हम सामने के दरवाजे पर मिलते हैं। हेलो गैरेट, हेलो गैरेट। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? मंगोलियन हो? कहाँ जाना चाहेंगे आप, बोलिए ना। चर्च जाना है। चर्च? हाँ ठीक है। मैं भी मंगोलियन हूँ, मैं शेल रिवर के पास का हूँ। ये फोन यहाँ काम नहीं करेगा, दूसरे फोन की जरूरत पड़ेगी आपको।
आप यहाँ क्यों आए हैं? बिजनेस के सिलसिले में? कैसी हो? बढ़िया। आ गए तुम? कैसा है भाई? बढ़िया। और सफर अच्छा रहा? मैंने तो सोचा तुम भूल गए हो मुझे। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? अंदर आइए। इस शहर में मैं सिगरेट को मिस करता हूं। यहां आते ही वतन की मिट्टी की खुशबू आने लगती है। तो अब तो आ गया ना तू यहाँ। ये टोपी कनाडा की लकड़ियों से बनी है। काम कैसा चल रहा है? काम में कुछ प्रॉब्लम है। क्या? तुम्हें ईमेल के लोग याद हैं? हाँ। तुम्हारे बंदे वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तुम समझा सकते हो? मैं उनसे बात करता हूँ। कैसा मेरे दोस्त? ए, तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? बताओ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बच्चे तो अब बहुत बड़े हो चुके हैं। हाँ, तो बच्चे हैं कितने तुम्हारे? तुम्हें क्या लगता है कितने होंगे? ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। चलो। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बता तुम कैसे हो? ठीक है। बहुत अच्छा लगा मिलके। और कैसा रहा सफर तुम्हारा? हाँ बताओ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ यार, बिल्कुल एकदम मजे में चल रहा है। कैसा है? और सब बढ़िया? सब बढ़िया। आओ चले मिलके मजे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिन बाद मिले हैं सब। बहुत मजे करेंगे। चलो। Thank you.
बचपन के दिन याद आ गए। बहुत ठंडा पानी है, बाप रे, बहुत ठंडा पानी है भाई, मजा आ रहा है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे फोन में उन सब की लिस्ट है, उन्हें ढूंढो और कॉल करो। हाँ जल्दी ढूंढते हैं, और उन्हें भी ढूंढना। हाँ ढूंढ लूंगा। तुम बताओ, तू? ये तो बहुत कम है। 3-5 पांच क्या? पांच क्या? पांच? हाँ पांच रशियन लड़कियां। पांच रशियन लड़कियां? हाँ बिल्कुल। वाह, तुम 5 रशियन लड़कियों के साथ थे उस आइसलैंड पर, अकेले थे, और फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने मसाज कराया। मसाज कराया तुमने? किस तरह का मसाज भाई? ये लो, ये दूसरे काम से मिले हैं। तुम्हें इसकी जरूरत है क्योंकि सारा पैसा तो तुम जन्नत पे उड़ाया ना। काम अच्छा चल रहा है। अगर हम पकड़े गए ना तो काम और जिंदगी दोनों जाएगी। हाँ मुझे पता है दोस्त। दरखान का काम अगले महीने खत्म करने का प्लान है, लेकिन वो लोग और वक्त मांग रहे हैं। पहले ही बहुत वक्त बीत चुका है ना। आखिरी बार जब खांगल वहां गया था तब मुश्किल से 2 महीने का वक्त मिला था। उन्हें कहे तो इतने समय में नहीं हो पाएगा। ठीक है, भूल जाते हैं। अगले महीने के लिए काम और है। अभी काम की बातें बंद करो, बाद में करते हैं। हे, तुम्हें कुछ बताना था। क्या? हे तुम दोनों, खाना रेडी है दोस्त? जल्दी आ जाओ, भूख लगी है, जल्दी। जगह अभी खाली करनी होगी, चलो भागो। चलो चलो सब जल्दी भागो, जगह खाली करो सब के सब। भागो भागो सब जल्दी भागो। उन्हें भी ले आओ। जगह खाली करनी होगी, भागो भागो। उन सबको लाओ, लाओ उन सबको लाओ। मुझे यहाँ से मत ले जाओ, मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे अरेस्ट मत करो, माफ कुछ नहीं होगा तुम्हें, माफ करो, मत ले जाओ मुझे, मत ले जाओ प्लीज। अब हम लोग
मंगोलिया में आने वाले विदेशियों की संख्या जान सकते हैं जो HG लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए यहाँ पर आते हैं। हमें उन पर सख्त निगरानी रखनी होगी, तभी हम इन विदेशियों को यहाँ पर आने से रोक पाने में सफल हो सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम इस घुसपैठ को कभी भी नहीं रोक पाएंगे। हम इस विदेशी मजदूरों की कंपनी की मदद भी कर सकते हैं, हम इन लोगों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो मंगोलियों जैसा कम जनसंख्या वाले देश की ये समस्या तब से शुरू हुई जब से B-30 के जरिए मजदूर यहाँ भेजे जाने लगे। हम इन विदेशियों को मॉनिटर नहीं कर सकते, इनका B-30 बिजनेस वीजा 30 दिन के लिए वैलिड होता है। हमें सूचना मिली है इन मजदूरों को नेटवर्क के जरिए चाइना से इकट्ठा करके फिर B-30 वीजा की मदद से मंगोलिया भेजा जाता है। वो लोग इन्हें इकट्ठा करते हैं और बताई जगह पर क्लाइंट कंपनी को हैंडओवर करते हैं। क्लाइंट कंपनी का इस नेटवर्क से जुड़ने का मुख्य कारण ये है कि वो मजदूरों के नाम पर डबल पैसा कमाते हैं, यानी इन लोगों को दोनों तरफ से मुनाफा ही मुनाफा। हमें इन सब गतिविधियों पर लगाम लगानी होगी। हेलो, हाँ कैसे हो? हाँ क्या हुआ? हाँ रुको मैं देखता हूँ। ओके ठीक है। यहाँ का इंचार्ज कौन है? तुम सब कहाँ से आए हो? नाम क्या है तुम्हारा? हाँ पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। हाँ नहीं वो जो हरे रंग वाले हैं ना उन सबको यहाँ से ले जाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? प्रवासी हो? ठीक है मुझे लगता है ये प्रवासी हैं, बाद में फ़ोन करता हूँ। ठीक है हाँ आप बोलो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेलो हम प्रवासी सेवा से हैं। मुझे अपने पेपर्स दिखाओ। ठीक है राज अन्वेषक, तुम लोग ये प्राइवेट मैटर में दखल क्यों दे रहे हो? यहाँ रुकने और हमारे ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो? ये सब के लिए तुम्हें अनुमति किसने दी? हमें माफ करना, हम कानून के मुताबिक सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। एक बात तुम्हें पता है, तुम्हारी कंपनी गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है। ठीक है आप अपना काम कर रहे हैं ना, मैं आपके बॉस से बात करूंगा और आपकी तारीफ करूंगा, हो सकता है आप आगे भी काम पर रहें। माफ करना और प्लीज हमारे काम में दखल मत देना। हम दोनों मंगोलियन है ना, अच्छे से बात कर सकते हैं ना? हमारे पास बात करने का मुद्दा नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। तुम दोनों? तुम यहाँ कैसे? ठीक है चलो जरा बात करते हैं। चलो बात करते हैं। हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, परमिशन नहीं मिली है।
इन्हें वापस भेजना होगा, ये लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। कौन लोग? चलो भाई अनजान मत बनो, ये लोग टैंकफी शैम के लोग हैं, समझ गए? तुम दोनों सैम के साथ कब से हो? किसके साथ? सैम के साथ। हम लोग जाने दो, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए था। तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी क्या? नहीं ऐसा नहीं है, अगर हमें 200 यहाँ जाने के मिल रहे हैं तो बाकी के भी मिल सकते हैं। हमें आज 5 मिल जाएगा, 50 कल मिल जाएगा, समझे तुम? फिर क्या तुम चाहते हो, हम ऐसा दिखाएं कि हमने यहाँ कुछ नहीं देखा या हमें कुछ नहीं पता? पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे खांगल, तुम्हें समझना चाहिए, काम काम होता है, पर ये मजदूर मंगोलिया में काम नहीं कर सकते। मंगोलियन मजदूर कहाँ है? सब के सब आलसी और कामचोर हैं, झूठे और चोर हैं सब। तुम्हें क्या लगता है सभी मंगोलियन सिख जैसे होते हैं? तुम्हारे जैसे सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। अंगल, हमें क्या करना होगा? मैं तुमसे अच्छे से पूछ रहा हूं ना, तुम हमसे भाग नहीं सकते, ये दोनों तुम्हारे लिए मुझसे अच्छे साबित नहीं हो सकते। अपार्टमेंट ऑनरशिप कहां है? तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो। तुम मेरे बारे में जानते हो मैं कौन हूं, या तुम समझ नहीं पा रहे हो? समझ जाओ, बाद में मिलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग कौन है और अपना फोन बंद करके कहाँ गायब हुए? सच में मैं काया हूं। ठीक है, आराम से, क्या हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, उन चाइनीज की वजह से
तुम और कंगल मुझे समझ नहीं पा रहे हो। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम मुझे बता सकते हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बता देते तो शायद। ये लोग कब आए यहाँ? इनके आने का पता ही नहीं चला। ये अचानक हुआ, तब तुम हवाई में थे। इन्हें आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। अब मुझे सच बताओ, क्या हुआ है? क्या यहाँ और भी हैं? कितने हैं? क्या 305? प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बताए बिना तुमने ये कैसे किया? थैंक्स, हमें ये रोकना होगा। वो मुझे चाइना से कॉल कर रहे हैं। तो क्या? मुझे उन 240 के पैसे वापस लौटाने, फिर इन सबको दे देना। तो इन पैसों का क्या करोगे? तुम सच में बेकार इंसान हो। आखिर तुम जाना कहां चाहते हो? अब मुझे क्या करना चाहिए, जबकि एक माइनिंग कंपनी मुझे परेशान करेगी? गैरेट, मैं चाइना नहीं जाना चाहता हूं। कहाँ जाना चाहते हो तुम? मंगोलियन एम्बेसी। एम्बेसी? हाँ। चलते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारी पहचान जान सकता हूँ? गैरेट को तुम कैसे जानते हो? वो मेरा सैम है। गैरेट को आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। संतोष रुको, एम भी सच में मार देगा ना? ओहो, जरा देखो कौन है,
क्या हाल है दोस्त? ठीक हूँ। बैठो, इस कूड़ेदान को यहाँ से ले जाओ। ये सब कितना गंदा रखे हो, साफ करो इसे। सैम से मिलो। ये सैम। हेलो, कैसे हो? मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, ये बहुत तारीफ करता तुम्हारी, और काफी दिनों से तुमसे मिलना चाहता था, है ना ताक्सी? इसी बात पर एक शिप। ये और हमारा एनकाउंटर। तंगसी, तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे माफ करना गैरिड, और मैं माफ करना, हम उन 200 चाइनीज की बात नहीं करते जो वापिस चले गए। बात यह है, हमारे पास अगले महीने के लिए एक जरूरी काम है। अगर ये काम हमने कर दिया तो पिछली बार क्या हुआ था तो ये सब कुछ भूल जाएंगे। ओह, डन। और हम पहले की तरह जैसे काम करते थे वैसे मिलकर करते रहेंगे। और बात यह है, 2000 मंगोलियन मजदूर हम ला रहे हैं, ठीक है ना? उसे बाहर लेकर आओ। ये तारीख के साथ साथ उन क्लाइंट्स की लिस्ट है, हम अब डिपॉजिट देंगे। अब पिछली बार की तरह पंगा नहीं चाहिए। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो? चलो एक शिप और मारते हैं। ए, मंगोलिया में एक नया जोक आया है, तुमने सुना? गंबूश गर्भवती है। सच में यार, मैं ये बकवास सुनने नहीं आया हूं। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। थैंक्सी के एहसान के बदले हम उन 350 मंगोलियन का ध्यान रखेंगे। गैरिट, अभी अगर ये सब तुम बंद करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमें एक दूसरे को समझना होगा। चलो। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूं। अबे उदास क्यों लग रहा है, बताओ। चल एक शॉट और लेते हैं। हाय। हाय। तुम शायद अमेरिका से हो ना? नहीं, मैं मंगोलिया से हूँ। तुम कहाँ से हो? मैं रशिया से हूँ। ओ, रशियन। रशियन लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद है। मेरा नाम गैरिड है और तुम्हारा नाम? मुझे माफ करना, मुझे नहीं मिलना है। क्यों? कहा ना मैंने। क्यों नहीं मिलना चाहती हो आखिर? क्यों? ये देखो, ये बढ़िया है। मेरा तुम्हारा, मेरा तुम्हारा, मेरा तुम्हारा। ये क्या कह रहा है तुमसे? कुछ नहीं, बस ये मंगोलियन नशे में है। चल भाग यहां से मंगोलियन। नहीं, तू भाग यहां से। क्या कहा? तुम बेवकूफ हो। बेवकूफ कहीं का, मुझे माफ करना, ये बहुत अकड़ू है, पर तुम बहुत खूबसूरत, मनमोहक और सुंदर हो।
तुम बहुत खूबसूरत हो। इतने दिनों से तुम कहाँ थे? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो। ये क्या है? गैरेट, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। क्यों, इसने तुम्हें परेशान किया? गैरेट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन पैसों से हमें खरीद सकते हो? मैंने कहा ना, हम ये नहीं कर सकते। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुन, तुम अपने आप को होशियार समझते हो? हाँ, अब मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और तुम्हें काम भी नहीं करने दूंगा, समझ गए ना तुम? चलो देखते हैं। गैरेट नहीं। तुम्हारे 2000 चाइनीज मंगोलिया में 5 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते। इससे भी बड़ी बात, जब ये तुम पर उंगली उठाएंगे तब तुम क्या करोगे? मुझसे पंगा मत लेना, ये मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, समझ गए? ये तुमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे इनसे कैसे बात करनी है? गैरेट, आराम से दोस्त, इस काम को हम अपना आखिरी काम बनाते हैं, उसके बाद हम रुक जाएंगे यहाँ पे, फिर नहीं करेंगे कभी भी। ये काम रुक चुका है, तुम्हें समझ में नहीं आता? बेवकूफ आदमी, गधे कहीं के। क्या कहा तुमने? हाँ, तुम एक नंबर के गधे हो, सारे पैसों पे लात मार रहे हो तुम, और कहां से तुम्हें ये सब मिलेगा? पूरी जिंदगी भी कर लोगे ना, पर इतना कभी भी नहीं कमा पाओगे, समझ गए तुम? तेरी तो। तुम क्या चाहते हो?
हे, रुको। हे, पकड़ो उसे, पकड़ो। देखो अंदर गया। पीछे का दरवाजा कहाँ है? वहाँ है। बेवकूफ समझता है मुझको? तेरी तो ले। उठ बेवकूफ कहीं का। तुम एक आदमी को संभाल नहीं सकते हो। सबके सब बेवकूफ। जाओ यहां से, जाओ और पकड़ो उसे, जाओ। हेलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? जरूर। मंगोलिया कॉल कर सकता हूँ? हाँ कीजिए। हेलो, ये मैं हूँ, मैं इरेन हॉट में हूँ। खंगला, मैंने किसी को मार दिया है। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? प्लीज आ जाओ। शहर के दक्षिण में एक चर्च है, हम लोग सामने के दरवाजे पर मिलेंगे। ठीक है।
गैरेट कहाँ है? तुमने कहा तुमने गैरेट को पकड़ लिया है। ठीक है, वो कहाँ है? ठीक है ठीक है। तुम्हें वापस कर देना चाहिए। मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर। वो चैंपियन था, मंगोलिया में ऐसा कोई नहीं जो उसे मार सके, सिर्फ युगांगा ही उसे टक्कर दे सकता है। तुम्हें खुलमबुरी चैंपियंस के बारे में पता है क्या? खुलमबुरी में चैंपियंस ही तो हैं, पर वो शिल नदी के पहलवानों को हरा नहीं सकते। जब से हमने शहर छोड़ा है तब से ये हमारे पीछे लगे हुए हैं और अभी भी चले आ रहे हैं। देखो पीछे। अरे भाई सुनो, आज की रात तुम फुट मसाज लेना चाहोगे? हमें डिनर में क्या खाना चाहिए? हम खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है? और खुलमबरी के पहलवान अच्छे हैं, खुलमबरी के लोग भी अच्छे हैं, तुम्हें पता है ना? तुम सुन रहे हो ना? ये रही लाश। ये लो। क्या यही है तुम्हारा सैम? हाँ यही है। उसने कहा यही है ना, तो अपना काम खत्म हो गया। हाँ ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। अच्छा अब बताओ कहाँ चल रहे हैं? मुझे बताओ। चर्च चलो। चर्च? फिर से चर्च? हाँ चलो। चलो चलते हैं।
शुक्रिया। हेलो, तुम ठीक लग रहे हो। ये लीजिए। शुक्रिया। चंगेज खान। हाँ, अपना खाना खाओ। थैंक यू। हाँ, ये कहां और कैसे गिरकर आ गया? दक्षिण की सड़क से। अरे नहीं, ये नहीं होगा। मैं सब समझ गया। अगर हम चाइनीज पुलिस वालों द्वारा पकड़े गए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? हाँ, और समझ गए? ठीक
ठीक है, मैं सब समझ गया। मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत बिजी थी। क्या आप दोनों भी मंगोलियन हो? अरे बेटे, क्या हुआ मेरे बच्चे? Yeah.
ये लो खाओ। नहीं जी। स्वादिष्ट है, खाओ। खाना नहीं चाहिए। मुझे तो बड़ी भूख लगी है। ये कैसी कार है? ये हमारा पीछा कर रही है। जब से हमने शहर छोड़ा है ये वहीं पर खड़ी। कौन सी कार? वहां उस गाड़ी के पीछे कार थी जब हम अंदर आए थे। हम कहां जा रहे हैं? अरे जरा तेज चलाओ ना। चला तो रहा हूँ। हमें उस गाड़ी का पीछा करना है। तो साइड से आगे निकालो ना। तह नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? बोलो। अरे क्या भाई, मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या कर रहे हो? करना पर जरूरी है। मेरा फोन क्यों ले रहे हो? रुको रुको, एक कॉल करना है, रुको। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हेलो हेलो, मैं टैक्सी नंबर 462 में कुछ भूल गया था, तो प्लीज मुझे उस ड्राइवर का नंबर चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, बताओ। 139। हाँ 117272। हाँ ठीक। फोन उठा, फोन उठा। हाँ बोलो। अपने पीछे बैठे मंगोलियन को फोन दो। अच्छा अच्छा, देता हूँ, ये लो। हेलो, मैं गैरिड हूँ। गैरिड, तुम कहाँ हो? मैं रास्ते से ही कॉल कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। हाँ, तुमसे मिलकर सारी बात बताता हूँ। बाय मुड़ो, बाय मुड़ो, बाय मुड़ो। ठीक है ठीक है। हमें कहाँ मिलना चाहिए? गैरिड, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ भाई? उस कार का पीछा करो जल्दी। क्या हो गया?
मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं नहीं शामिल हूँ। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? सच सच बताओ सैम कहाँ है? मैंने बताया ना, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता। मैंने कहा ना, मैं सच में नहीं जानता। रुक, मैं तुमसे सच बता रहा हूँ। रुक, अभी बताता हूँ। मेरा सैम कहाँ है? इन लोगों का क्या? अब वो सब कहाँ है? मेरा उन सब से कोई नाता नहीं है। मैं ड्राइवरी करता हूँ और वो मुझे पैसे देते हैं। नहीं नहीं प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये कौन है? कौन है ये? ये औरत, मैंने इसके लिए चाइनीज वर्कर ढूंढे थे। इसी ने मुझसे ये काम करने के लिए कहा था। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता हूं। ये उसी का नंबर है ना? हाँ। ये औरत क्या करती है? वो दिन में स्टोर चलाती है और रात में वैश्याओं को बेचती है, जिसे हम उसके लिए ढूंढते हैं। वो उन सबको मेडिटेट करती है। जितना मुझे पता था मैंने वो सब तुमको बता दिया। अब मैं जा सकता हूं ना? वो लड़की कहाँ है? क्या चाहिए तुम्हें? सिगरेट, ये लीजिए। मुझे मंगोलिया में घुसने के लिए चाइनीज वर्कर्स चाहिए। ये क्या कह रहे हो? 200 लोग। अरे ये कर दोगी? मुझसे कैसे होगा? अच्छा बताओ, तुम्हें किसने कहा कि मैं उन्हें जानती हूँ? हाँ, पैसे तैयार हैं। इस हफ्ते में मुझे उसकी जरूरत होगी। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। और कुछ चाहिए तो मैं, जाओ जाओ यहाँ से। Thank you.
ना तुमसे, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। सीधा सीधा बात करते हैं। तुमने उस मंगोलियन आदमी के बारे में जरूर सुना होगा जो भी एनाहॉट से यहाँ आया है। मुझे कैसे पता होगा तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे किसी मंगोलियन के बारे में नहीं पता है और ना ही मैं किसी मंगोलियन को जानती हूँ। जाओ 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 यहाँ से। हेलो, तुम्हें इस फोन के मालिक के बारे में पता है ना? मुझे अब पता चला तुम लोग यहाँ क्यों घूम रहे हो। मैं तुम्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लड़कियों की वेश्यावृत्ति में जेल भिजवा सकता हूँ और गैर कानूनी रूप से मजदूरों को मंगोलिया भेजने के आरोप में मैं तुम्हें चाइनीज जेल में डाल सकता हूँ। वहाँ क्या हो रहा है? हटो। अरे अरे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? जाने दो। अरे मेरी क्या गलती है, मुझे जाने दो ना। जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम सबको देख लूंगा। दोबारा मत आना यहाँ पे। हाँ जा रहा हूँ, जाने दो इसे। कहा ना तुम्हें, जाओ यहाँ से। हाँ यार, बहुत हैंडसम था वो तो। ओ यार कितना हैंडसम था वो। बहुत सेक्सी था वो। ये क्या कर रहे हो तुम? उसने जैसे करने को कहा मैंने वैसा ही किया। मैं एक लाचार बुढ़िया हूँ। जब उन्हें मजदूरों की जरूरत होती है तब मैं उनके लिए काम करती हूँ, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं पता। और आगे क्या हुआ? मैं सच कह रही हूँ। अब पर्दे के पीछे क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। सुनो, मेरे बारे में उनसे कुछ मत कहना। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, आगे बोलो। बोलो आगे। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने ये सब तुम्हें बता दिया है तो मुझे मार देंगे। मैं भी तुम्हारी तरह एक मंगोलियन हूँ। वो बिना किसी कायदे कानून से मजदूरों का वीजा बनाते हैं। सैम कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उन्होंने मुझे तुम्हारे सैम के बारे में नहीं बताया। सच कह रही हूँ तुमसे। वो कौन है मुझे बता दो, और मुझे उसका नाम चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे उसका नाम चाहिए। टॉम थॉस। थोंग थोश अभी कहां मिलेगा? मुझे नहीं मालूम। कैसे हो यार? मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती। मैं गैरेट के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया गैरेट। मैं कायर हूं। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम यहां क्यों आए? मुझे गैरेट को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अगर मैं उसे यहाँ नहीं लाया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। ये क्या बकवास कर रहे हो? गैरेट मरा नहीं है, वो जिंदा है, और मैं उसे पक्का ढूंढ निकालूंगा। नहीं, तुम समझा नहीं। मैं कायर हूं। बेकार कायर हूं मैं। कंगल, मैं भीख मांगता हूं।
वहां मत जा। गैरेट को मैं खो चुका हूं, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। गैरेट नहीं मर सकता। मैंने गैरेट से बात की और उसे देखा। मैं गैरेट को ढूंढ कर ही रहूं। आराम से यार, मैं समझ गया। चलो एक दूसरे को समझते हैं। तुम्हें सैम चाहिए ना?
ठीक है, मिला दूंगा मैं सैम से। मैं तुम्हें अभी सैम के पास ले चलता हूं। मैं सच बोल रहा हूं, वो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। चलो सैम के पास चलते हैं। ले जाओ इसे। छोड़, रहने दे। एक सिगरेट मिलेगी। मारो ठीक से। देखो चलो बहुत चलाओ लगाया। निशाना बराबर लगाओ। चलो चलो। हाँ मारो। ठीक से सब बच गया। फिर बच। अरे बर्फ बहुत मोटी है। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी 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 करते हैं। देखो बचना नहीं चाहिए। मारो। अरे वो भाग गया यार। सब बेकार हो गया यार। Thank you.
ये सब कैसे हुआ? बर्फ काफी मोटी है। ठीक है जल्दी करते हैं। तेरी तो छोड़ मुझे। ए तुम क्या कर रहे हो? रुको बताता हूँ। ए रुक रुक। हाँ साले। तुमने उसे मार दिया। हाँ मेरे पास मत आना। कहाँ भाग रहा है? गैरिट तुम्हें कुछ नहीं होगा। गैरिट तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। गैरिट तुम मुझे सुन रहे हो ना? गैरिट तुम मुझे सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना तुम? गैरिट गैरिट हम यहाँ से निकल जाएंगे। आ, 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 आ,